हेलो व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ जो बहुत बड़ा अपडेट, दोस्तों की अपडेट क्या है। दोस्तों आज मुझे सीनियर के माध्यम से पता चला कि हो सकता है कि हमें आज रियल एड मिलेगा दोस्तों। और जाका टोकन जैसे भी कंपनी जिसके पीछे काम करी, जो 31 मार्च तक लास्ट डेट था दोस्तों, जो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कंपनी के तरफ से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ नया निकलता है फिर से कुछ अपडेट के लिए जाका टोकन के लिए, तो दोस्तों उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और जितने लोग भी अगर जाका टोकन को नहीं ख़रीदे हैं तो मैं आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ख़रीद लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार सजेशन ज़रूर दूँगा कि आप ख़रीद सकते हैं जाका टोकन का, क्योंकि उसका प्राइस सच में रियल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि आप क्वाइन के बारे में आप लोग को नहीं पता है, लेकिन सच में आप लोग को रियल एड अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्वाइन जो है दोस्तों उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि क्वाइन वो अलग एक चीज़ है दोस्तों, जिसे कैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी यूज़र है। ऐसा बात नहीं कि कंपनी के पास यूज़र नहीं है, जिसके वजह से क्वाइन का रेट बहुत जल्दी से बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ कि क्वाइन बहुत कम मात्रा में है इसके पास, जिसके वजह से लोग क्वाइन को होल्डिंग करेंगे, रखेंगे, तो फिर ज़्यादा इसका वैल्यू आने वाला टाइम में दोस्तों बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। जहाँ तक पता चला है फ्यूचर में 6 से 7-8 महीना तक हो सकता है कि $4-5 बढ़ने का चांस है दोस्तों। और $4-5 बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आपके पास कुछ भी क्वाइन है, 100 भी क्वाइन है या 10 क्वाइन है या फिर कुछ भी है 200 क्वाइन है, तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा करके देगा दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप चाहते हैं तो जाकर टोकन ख़रीद सकते हैं, बस मैं यही बोल रहा हूँ कि और रियल एड का इंतज़ार करना है दोस्तों। जब हमने इतना इंतज़ार किया है तो कुछ दिन और इंतज़ार कर ले, हमें रियल एड बहुत जल्दी मिलने वाला दोस्तों। तो फिलहाल के लिए थैंक यू दोस्तों, कुछ भी अगर अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहीं अभी तक रहेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।